हर एज के लोग आते हैं, बूढ़े जवान लड़कियां लड़के कॉलेज स्कूल सब। हाँ ये पहले से ही जब से वो ओपनिंग हुई जब से ही वही लाते मसाला, वही लाते मसाला। हाँ जयपुर के उस गुलाब जी चाय वाले के पास आ गए जो लोगों को अपनी चाय के दीवानगी बेचते हैं। तो जयपुर वाले जो अपने सुबह की शुरुआत है वो एक अच्छी चाय के साथ करते हैं। और यहाँ पे लोग जो भी बाहर से घूमने आते हैं, विदेशी घूमने आते हैं या फिल्म स्टार वगैरह आते हैं, यहाँ पे गुलाब जी चाय वाले की जब तक चाय नहीं पीते तब तक ये मान लो उनकी सुबह नहीं होती। और इसमें ये प्रसिद्ध क्यों हुए इसके पीछे एक अलग से कारण और भी है। तो मैंने इनके ओनर से पूछा और बहुत लोगों से भी इनका रिव्यू लिया, तो मेरे को पता लगा कि ये जो सुबह से जो बंदे होते हैं, मतलब जो गरीब बेसहारा बंदे होते हैं, तो उनको सुबह सुबह का ये मान लो 50-60 जो बंदे होते हैं उनको फ्री में चाय और बनमस्का और यहाँ के समोसे फ्री ऑफ कॉस्ट इनको खिलाते हैं। ये देख सकते हो भाई ये पत्ती पड़ रही है, दूध अच्छी तरीके से जो प्योर दूध है गर्म किया जा रहा है। इस प्रकार की ये अदरक है तो ये मतलब आप स्टार्टिंग में नहीं डालते, इसका क्या कारण है भाई? ये दूध फट जाता है इससे। अच्छा अब ये देख सकते हो लाल से भाई अदरक आ गई है। हाँ ये पहले से ही जब से ओपनिंग हुई जब से ही वही लाते मसाला, वही लाते मसाला। हाँ तो मसाला कोई बाजार से लाते हो भाई साहब या मतलब आप यहाँ से गुलाब जी की चाय से यहाँ से कई साल से मतलब तैयार होता है या खुद तैयार करते हैं? ये मालिक के पापा ही जी तैयार करते हैं। अच्छा हाँ। तो भाई आप देख सको इसमें जो अपने जो छलनी का यूज नहीं करा जा रहा, इसमें जो अपना सूती कपड़ा है जो पहले अपना दादा परदादा यूज करा करता है, इस तरीके का कपड़ा चाय छान खातर यूज करा जा रहा है इसका। दादाजी थे मेरे उन्होंने खोला था ये। अच्छा आजाजी के पहले से चल रहा है सब, जो पहले उन्होंने कम से कम 100 लोगों को सुबह सुबह चाय नाश्ता कराते हैं, अभी भी फ्री में होता है हमारे रोड पर। अच्छा। सबसे फेमस चल रहा है ज़्यादा चलता है बन समोसा, फेमस है यहाँ का बन समोसा। तो इसका फेमस है बन चाय मस्के से शुरुआत हुई थी सबसे पहले, फिर बन समोसा बन बटर ब्रेड बटर सब कुछ चलता है। अब तो सब कुछ चलता है। अपने भाई साहब ने एक चाय दे दो हमें, और यहाँ का जो फेमस आइटम क्या है जो लोग सबसे ज़्यादा मतलब खाके जाते हैं? बन बटर। चिवड़ा का जो रेट रहे अभी उस टाइम से इस टाइम में कितना बदला है? 5-10 रुपये ज़्यादा चेंज। 5-10 रुपये। तो लोग ना भाई अब जो वीडियो देखेगा उन्हें इच्छुक रहेगा कि भाई क्या रेट होगा, उड़ा होगा तो भाई वीडियो देख के भी आवे। बहुत बड़ा चाय आती है 25 और कूलर में आएगी 35। कूलर में 35 की और बन बटर आएगा 30। बन बटर 30 का, बन समोसा फेमस है वो 50 का है। वो 50 का है। तो दोस्तों अपना बन बटर और कूलर चाय बन के आ गई है और बढ़िया तरीके से, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर। और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका भाई देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से भाई इसमें अच्छी बटर की अच्छी स्टफिंग है, देख सकते हो। सब खा के बताऊँ भाई कैसा है इधर का जो थोड़ा फीका फीका सा है, बटर का जो स्वाद है वो ज़्यादा आ रहा है, उसमें पनीर मसाला नहीं है, मतलब फीका फीका अलग है। चाय का जो फील है भाई साहब वो एक अलग सा फील आ रहा है इधर, जो नॉर्मल चाय होती है उस तरीके की चाय नहीं है। पहले इतना कॉस्ट नहीं थी 20 रुपये की थी, अब थोड़ी सी उन्होंने कॉस्ट 10 रुपये बढ़ा दिए, पर लोग यहाँ पे अब भी खूब आते हैं। जो कस्टमर है उनका आप ओपिनियन लिया हाँ कि उन्हें भी चाय अच्छी लागे है या नहीं लागे, जो बंदा आ रहे हैं वो चाय के बारे में क्या सोचता है? एक तो चाय की शौकिंग है जयपुर में लोग ज़्यादा है ना, दूसरा भी पुराने भी तो बहुत है ना। अच्छा पुराने हैं ये, मतलब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था उस टाइम के पहले से ही हुआ, उस टाइम के वो लगी है ना गुलाब जी की फोटो। अच्छा अच्छा बहुत पुरानी है इसलिए लोग आते हैं चाय पीने के लिए। और वहाँ जो MI रोड है ना वहाँ पे रश भी ज़्यादा रहता है, वहाँ पे यूथ बहुत आता है, बहुत चिल है। आप जाओगे वहाँ पे आपको बैठने की जगह वो देंगे बैठने के लिए सबसे पहले।
खुद ही आएंगे, मतलब खुद पहले आते थे लेकिन अभी उन्होंने टोकन वाला कर दिया। अच्छा, वो जो उनके ओनर है ना, पहले तो गुलाब जी थे, फिर उनके इनके जो जो सन है लड़के हैं जो इनके बड़े वाले, मैंने पर्सनली भी उनसे बात की थी, वो इतने हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, मतलब प्यार से बातचीत।